अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें डेटा गिवन है 45, 56, 51, 40, 55, 52, 48। तो सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का हमारे पास सिंपल फार्मूला है, रेंज इज इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम माइनस करेंगे, यानी एक्स एम माइनस एक्स ओ। एक्स एम का मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इस डेटा के अंदर, अगर हम देखें 56 सबसे बड़ा नंबर है, तो 56 माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है 40, माइनस करेंगे तो रेंज विल बी इक्वल टू या आ जाएगा 16। तो एक हमारे पास आंसर आ गया है रेंज का। अब हमने आगे काम करना है किसके लिए, वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस के लिए मैंने एक टेबल बना लिया है, जो डेटा मेरे पास है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 में गिवन डेटा है, कॉलम नंबर 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, यानी 45 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 25, 56 का स्क्वायर 31 36, 51 स्क्वायर 2601, 40 स्क्वायर 1600, 55 स्क्वायर 3025, 52 स्क्वायर 2704, और उसके बाद हमारे पास 2304, 48 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये डेटा आ गया है। अब ये कॉलम नंबर 3 हमने कंप्लीट करना है। कॉलम नंबर 3 के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स माइनस एक्स मीन, यानी मीन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने सबसे पहले ये मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एन हमारे पास ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन के जगह हम 7 पुट कर देंगे, 7 नंबर्स हैं, और समेशन एक्स फर्स्ट कॉलम्स के नंबर्स को हम सम करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स दैट इज इक्वल टू 347। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 347 डिवाइडेड बाय 7, तो मीन हमारे पास आ जाएगा 49.57। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम के ऊपर, तो अब मीन की वैल्यू आ गई है 49.57। अब क्या करना है, हमने x माइनस एक्स मीन, यानी x क्या है 45 से मीन वाली ये वैल्यू, यानी 49.57 हम माइनस करेंगे, 45 से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 4.57। 56 माइनस मीन, ये वाली मीन वैल्यू हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 6.47। 51 माइनस मीन, तो ये आ जाता है हमारे पास 1.43। 40 से हम माइनस करेंगे मीन, तो ये आ जाता है माइनस 9.57। अब 55 से माइनस करेंगे मीन, तो ये आ जाता है 5.43। और अब 52 से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 2.43। और उसके बाद है 48 माइनस मीन, तो ये आ जाता है माइनस 1.57। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलम नंबर 3 में जो वैल्यू आई है, कॉलम नंबर 4 अब हम अपडेट करेंगे। तो कॉलम नंबर 3 जो आया उसके हर वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे, यानी अब माइनस 4.57 का स्क्वायर ले लें तो कॉलम नंबर 4 की वैल्यू बनेगी 20.88। इस तरह से 6.47 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 41.34। 1.543 यह आ जाता है 2.04।
उसके बाद हम -9.57 का स्क्वायर लेंगे तो 91.58 5.43 स्क्वायर इज इक्वल टू 29.48 देन 2.43 स्क्वायर इज इक्वल टू 5.90 एंड देन -1.57 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2.43। जहन में एक चीज़ रखें कि अगर आपके पास ये माइनस वैल्यू आई है जिस तरह की ये लास्ट वन है या फर्स्ट वन है इसके साथ माइनस है तो जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप गलती से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यानी इस वैल्यू को आप यानी यू लिखेंगे -4.57 स्क्वायर, अगर इस तरह से आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर अगर आएगा नेगेटिव, तो ये गलती आएगी, आप यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे आप गलत कर लेंगे, तो लिहाजा क्योंकि स्क्वायर आता है पॉजिटिव आता है तो आप नेगेटिव साइन ना लेके सिर्फ स्क्वायर ले लें, या अगर आपने लेना है तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख के स्क्वायर लिया करें जो नेगेटिव नंबर होगा। अच्छा अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई है, अब हम आते हैं वेरियंस फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है डिविएशन मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो हमें समेशन एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो समेशन एक्स स्क्वायर ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम यहाँ पर क्या है समेशन एक्स स्क्वायर, तो इस कॉलम के वैल्यूज़ को हम सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 17395 और समेशन एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, अब हम इसमें वैल्यू डाल लेते हैं तो एस स्क्वायर वेरियंस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है 17395 ओवर एन, एन के वैल्यू है 7 माइनस समेशन एक्स 347 ओवर 7 होल स्क्वायर। अब पहला नंबर जो है हम ये डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाता है 2488 85 माइनस 2457.32। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाता है यानी एस स्क्वायर वेरियंस ये आ जाता है 27.67। तो ये हमारे पास वेरियंस आ गया है। अगर हम दूसरा मेथड यूज़ कर लें यानी डिविएशन मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम एस स्क्वायर से भी रीनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू अब समेशन एक्स माइनस ये जो फोर्थ कॉलम है ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, अगर हम इनकी सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाते हैं 193.71। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल लेते हैं 193.71 ओवर 7 तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 27.67। तो ये हमारे पास वेरियंस। अब देखिए दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आ रहे हैं वेरियंस का, आप कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू एस डी और उसको सिर्फ एस से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि एस स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे यानी वेरियंस ऑफ एक्स उसका अंडर रूट लेंगे यानी जो आपका ऊपर आंसर आया हुआ है इसका अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट ऑफ 27.67 तो यहां से आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 27.67 तो ये आ जाता है 5.26। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर।